हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस चैनल पर। और आज हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं ग्लोई के बारे में। तो फ्रेंड्स, मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगी कि आप ग्लोई की पहचान किस तरीके से कर सकते हैं और ग्लोई आपके लिए कितने फ़ायदेमंद है, इसके क्या नुकसान है, तो हम बात करेंगे। और फ्रेंड्स, मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। तो चलिए हम बात करते हैं ग्लोई की पहचान। तो ग्लोई आयुर्वेद में मौजूद सबसे महत्वपूर्ण जड़ी बूटियों में से एक है और इसको भारत में ट्रोस्पोरा या गुदुची के रूप में जाना जाता है। और आपने ग्लोई की बेल बहुत देखी होंगी, लेकिन जानकारी के अभाव में ग्लोई की पहचान हम नहीं कर पाते हैं। तो ग्लोई का पौधा एक बेल के रूप में होता है, आप देख सकते हैं, और इसकी पत्तियाँ पान के पत्ते की तरह होती है। जैसा कि हमने पहले बताया है कि ग्लोई के औषधीय गुण कई प्रकार की बीमारियों को ठीक करने में उपयोग किए जाते हैं। ग्लोई के कुछ महत्वपूर्ण फायदे अब हम आपको बताने जा रहे हैं, जो आप इसको अगर यूज़ करेंगे अपनी लाइफ में तो ये आपको बहुत ही फायदा करेगी। तो ग्लोई के प्रयोग में जो है ये इम्यूनिटी पावर बढ़ाती है आपके लिए, क्योंकि ग्लोई में एंटीऑक्सीडेंट गुण होते हैं जो स्वास्थ्य में सुधार लाते हैं। और ग्लोई जो है वो डेंगू में बहुत फ़ायदा करता है, आपने सुना भी होगा, ग्लोई और पान सॉरी पपीते के पत्ते का रस। तो ग्लोई का एक अन्य लाभ यह है कि यह लंबे समय से चले आ रहे ज्वर और रोगों का इलाज करता है, क्योंकि इससे इसकी प्रकृति ज्वर नाशक इसलिए होती है, इसलिए यह जीवन को खतरे में डालने वाली बीमारियों के संकेतों और लक्षणों को कम करता है। यह आपके रक्त में प्लेटलेट्स की गिनती को बढ़ाता है और डेंगू के लक्षणों को भी दूर करता है। ग्लोई के साथ तुलसी के पत्ते प्लेटलेट की गिनती को बढ़ाते हैं और डेंगू से लड़ते हैं। ग्लोई के अर्क और शहद को एक साथ मिलाकर पीना मलेरिया में उपयोगी होता है। बुखार के लिए 90% आयुर्वेदिक दवाओं में ग्लोई का उपयोग एक अनिवार्य घटक के रूप में होता है। यदि किसी को डेंगू हो जाता है तो आप पपीते के पत्ते और ग्लोई का यूज़ कीजिए, उसको बहुत फ़ायदा होगा, उसकी प्लेट्स बढ़ जाएंगी। तो ग्लोई के औषधि जो गुण हैं वो आपकी जो पाचन के लिए हैं उनमें बहुत फ़ायदा करता है। ये मधुमेह जो हो जाता है शुगर, उनके लिए बहुत फ़ायदा करता है। ग्लोई निश्चित रूप से एक प्रभावी उपयोग है। ग्लोई एक एजेंट के रूप में कार्य करता है, यह रक्तचाप और लिपिड के स्तर को भी कम कर सकता है। यह टाइप 2 मधुमेह के इलाज को बहुत आसान बनाता है। मधुमेह रोगियों को नियमित रूप से रक्त शर्करा के उच्च स्तर को कम करने के लिए ग्लोई का जूस पीना चाहिए। और ये मस्तिष्क को काफ़ी अच्छा बनाता है। दमा के इलाज में ये बहुत उपयोगी है, गठिया में बहुत राहत देता है। और अगर आपकी आंखों में कोई प्रॉब्लम है या आप आंखों में इसका यूज़ करना चाहते हैं तो आप इसका पानी उबालिए, ग्लोई के पत्तों का पानी उबालिए और अपनी पलकों पर लगाइए, आपको बहुत फर्क नज़र आएगा अपनी आंखों में। और ग्लोई रस बेनिफिट्स युवा त्वचा के लिए भी है, अगर आप इसका रस अपने फेस पर लगाएंगे तो ये आपकी जो झाइयाँ दाने मुहासे काले धब्बे होते हैं उनको ये बहुत फ़ायदा करेगा और उनको ठीक कर देगा। और इसके अन्य कई फायदे हैं, ये लीवर से संबंधित रोगों के इलाज के लिए है, चीनी के साथ इसको प्रयोग किया जा सकता है लीवर के लिए। ग्लोई कब्ज के इलाज के लिए गुड़ के साथ प्रयोग किया जाता है। ग्लोई के पत्तों को पीसकर एक गिलास छाछ के साथ मिलाकर सुबह सेवन करने से पीलिया ठीक हो जाता है। और ग्लोई के तने को उबालकर बनाए गए काढ़े को ठंडा करके पीने से उल्टी में राहत मिलती है। ग्लोई के रस का सेवन करने से दिल की कमजोरी दूर होती है और दिल के रोग भी ठीक हो जाते हैं। शरीर में जलन से राहत के लिए ग्लोई के रस को नीम के पत्तों के और आंवला को मिलाकर काढ़ा बना लें और दिन में 2-3 बार इसका सेवन करें। सुबह के समय खाली पेट ग्लोई का रस पीना के पेट के कीड़ों के लिए बहुत उपयोगी है। और अगर आगे आता है कि बच्चों के लिए सुरक्षित है, ग्लोई 5 साल की उम्र या इससे ऊपर के बच्चों के लिए सुरक्षित है। हालांकि ग्लोई की खुराक 2 सप्ताह से अधिक या बिना आयुर्वेदिक डॉक्टर की सलाह से नहीं दी जानी चाहिए। अब इसके नुकसान के बारे में अगर हम बात करें, यदि आप मधुमेह की दवाई ले रहे हैं तो बिना डॉक्टर की सलाह के इस जड़ी बूटी का सेवन नहीं करना चाहिए। ग्लोई कब्ज और कम रक्त शर्करा की समस्या भी पैदा कर सकता है। गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को इसके इस्तेमाल के लिए अपने डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। अगर आप इसका काढ़ा बनाकर नहीं पीना चाहते हैं तो मार्केट में इसकी टैबलेट्स भी अवेलेबल हैं, आप उनको खाइए, आपके बीवी या फिर आप लोग उनको टैबलेट्स को खाइए, आप बुखार वगैरह से बचे रहेंगे। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा वीडियो। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।